सभी को जोहार जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पूर्वी पश्चिमी, पूर्वी और चाईबासा से आए हुए सभी हमारे ग्रामीण भाइयों, विशेषकर माताएं बहनें, आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। और हमारे साथ मंच पर भी बैठे हैं गणमान्य अतिथिगण, मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, गठबंधन के सभी साथी लोग, इनका भी हार्दिक अभिनंदन है। पत्रकार भाइयों का भी हार्दिक अभिनंदन है। हम बहुत आप लोग का वक्त नहीं जाया करेंगे, हम सिर्फ इसलिए पूरे राज्य का भ्रमण कर रहे हैं कि जो हम आपके लिए काम कर रहे हैं वो जमीन पे उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, यही देखने के लिए हम घूम रहे हैं। और जगह जगह मौसम भी खराब है, फिर भी हम लोग पहुंच रहे हैं। और आपके लिए भी पंचायतों में, टोला में, गांव में शिविर लग रहा है, जहां सड़क है, जहां नहीं है, वहां पर भी लोग बैलगाड़ी से, ट्रैक्टर से, साइकिल से जाकर के आपकी समस्या का भी समाधान कर रहा है। इसी को थोड़ा हम देखने के लिए आए हैं। यहां बड़े पैमाने पर हमारी महिला दीदी लोग हैं, मैया लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं। एक समय था, आप लोग को मालूम है कि बूढ़ा बुजुर्ग लोग एक वो पेंशन के लिए कितना चक्कर काटता था, और साथ साथ में दलाल लोग का भी चक्कर काटता था। कितना दलाल सब मिलकर के उन लोगों को ठगा पता नहीं। वृद्धा पेंशन का कार्ड तो बना नहीं, बेचारा ऐसे ही दलालों का पैसा, दलाल लोग पैसा मार मार कर उसका भी जान ले लिया। लेकिन आज इस राज के में दिया लगा करके, डिबरी टॉर्च लगा करके भी आप खोजने जाएंगे तो बिना पेंशन का कोई बूढ़ा बुजुर्ग नहीं मिलेगा। कोरोना काल का भयावह दिन याद कीजिए, कितना डरावना था। यही भारतीय जनता पार्टी का सरकार पूरा देश में लॉकडाउन लगा दिया, जहां का तहां लोग अटक गया, रह गया, फंस गया। वो दिन कितना डरावना था, हम कई मंचों से बोल चुके हैं। आपके उस कोरोना काल में हमारा दो दो मंत्री मर गया, हम कहना एक जगन्नाथ महतो, एक हाजी हुसैन अंसारी साहब, आप लोगों की सेवा करते करते। हम लोग जब से सरकार बनाए तब से दूसरे दिन से ही हमारा विपक्ष का लोग हमारा सरकार गिराने में लगा है। उनको ये नहीं पछता है कि हम बूढ़ा बुजुर्गों को उसको बुढ़ापे का लाठी दें। उन लोगों को नहीं अच्छा लगता है कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण करें। उनको नहीं अच्छा लगता है कि हमारी बेटियां बढ़िया से पढ़ाई करें। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे नौजवान अपना स्वरोजगार करें। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा किसान समृद्ध हो। और यही वजह है कि सालों से दिल्ली में देश का किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर के रखा। अनेक किसान शहीद हो गए,
लेकिन किसानों का आग पोछने आग का आंसू पोछने के लिए नहीं निकला। 2000 लोकसभा चुनाव में उसकी घमंड को चूर चूर किया गया और सरकार बनाने के लिए एन के एन प्रकार बैसाखी के सहारा अभी लोग सरकार चला रहा है। हमारा राज देश का सबसे पिछड़ा राज है, सबसे अधिक गरीब गुरुआ लोग यहीं रहता है, लेकिन इसको दूसरा देश का लोग बोलता है सोना का चिड़िया, दूसरा राज का लोग बोलता है सोना का चिड़िया। काहे भाई सोना का चिड़िया? यहां तो गरीब को खाने के लिए अनाज नहीं मिलता है, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता है, काहे के लिए सोना का चिड़िया भाई? ये सोना का चिड़िया अमीर और व्यापारी लोगों के लिए है और उनकी गिद्ध नजर हमेशा इस राज में पड़ी रहती है। 2019 के पहले लोग यहां राशन कार्ड ले लेकर के भाग भाग करके मरा था, लेकिन कोरोना जैसे महामारी में भी हम लोगों ने इस राज का एक भी मजदूर को भूख से नहीं मरने दिया, एक भी मजदूर को। और वो भी ऐसा दिन जब काम धंधा सब बंद, मजदूरी भी बंद। बेचारा गरीब अगर एक दिन मेहनत नहीं करता है तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरा परिवार भूखा मरता है। लेकिन उस समय हमारी राज की महिला दीदियों ने हमारे साथ खड़ा होकर के इस राज के गरीबों को मुफ्त में खाना बना बना करके खिलाने का काम किया था। जब हम कुछ काम करें यहां के लिए, मेरे पीछे दुनिया भर का झूठा आरोप लगाना शुरू करे, कभी ईडी कभी सीबीआई। 2 साल तक हमको परेशान किया, 2 साल तक कोरोना हमको परेशान किया और 2 साल तक ये हमारा विपक्ष का लोग। अभी कल परसों केंद्रीय मंत्री आपके ये कोलान क्षेत्र में घूम रहे थे, ग्रामीण विकास मंत्री हैं शायद वो, और उनसे पूछिए कि आप मनरेगा में सबसे कम मजदूरी झारखंड को क्यों देते हैं और वो भी समय पर पैसा नहीं देते। अभी भी पैसा अटका हुआ है और यहां घूम रहा है विधायकों को खरीदने के लिए, सांसद को खरीदने के लिए, पार्टी को तोड़ने के लिए। कभी बोलता है इतना विधायक हमारे साथ है, इतना सांसद हमारे साथ है, जनता इनको नहीं चुनती है, ये पैसा से सरकार बनाते हैं और ये पैसा से सरकार बनाने वाले लोगों को हमें सबक सिखाने की जरूरत है। इतना परेशान किया, इतना झूठा आरोप लगाया, नहीं सका जेल में भी डाल दिया। तो इसको पता नहीं कि झारखंड वीर भूमि है, हम लोग तो गोली बंदूक से डरा नहीं, जेल में भेज करके क्या हमें डराना चाहते हो? इसीलिए बातें बहुत है, योजना गिनाएंगे तो इतना योजना हम लोगों ने गांव देहात गरीब गुरुआ के लिए चालू किया है कि आज उस योजनाओं का गिनते गिनते ये लोग को 5 साल और लग जाएगा। हम यहां बैठी महिलाओं से, माताओं से, बूढ़े बुजुर्ग गांव देहात के लोग से हम पूछने चाहते हैं, मैया योजना आप लोगों को अच्छा लगा? जोर से बोलिए, अच्छा लगा? बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन मिलता है, अच्छा लगा? आप लोग का बिजली का बिल भी माफ हो गया, आपका ये भाई आपका ये बेटा। हमने संकल्प लिया है कि जब तक हम गांव को मजबूत नहीं करेंगे इस राज को मजबूत कभी नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेरा पहले गांव मजबूत होगा फिर शहर मजबूत होगा। पहले यहां हम लोग का ये विपक्ष का लोग डबल इंजन का सरकार, इनके पास गरीबों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं था,
बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन देने के लिए नहीं था, महिलाओं को पेंशन देने के लिए इनके पास पैसा नहीं था, किसानों को कर्जा माफ करने के लिए इनके पास पैसा नहीं था, लेकिन ये बड़े बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ करने के लिए इनके पास करोड़ों करोड़ों रुपया निकलता था। लोग भूख से मरते थे, किसान आत्महत्या करता था, फिर भी इनके आंख में आंसू पोंछने नहीं आया। लेकिन व्यापारी लोग को जैसे ही दर्द होता है, कायदा कानून नियम सब बदल जाता है। अभी कोरोना में क्या उल्टा सीधा दवा लगवा दिया, पूरा देश दुनिया में उन दवाओं को प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन उन दवा कंपनियों से चंदा वसूलने के नाम पर पूरा देश में फर्जी दवा सप्लाई करके लोगों को टीका लगवा दिया। हम लोग को भी लगा दिया, पता नहीं कब मर जाए, कुछ अता पता नहीं। यहाँ लोग राह चलते चलते मर जा रहा है, योगा करते एक्सरसाइज करते मर जा रहा है, दौड़ते मर जा रहा है, और पता चलता है कि उस टीका का भी इसका असर पड़ता है। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने दिवंगत नेता वीर शहीद सुनील महतो जी का बेटी का हम लोग दस्करम में आए थे, 28-30 साल की बेटी थी बेचारी, सर्दी खांसी में लोग मर जा रहा है, पता नहीं क्या लगा दिया है। ये हालत, ये लोग सत्ता बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनाते गो बाबा भैया मिश्रा को आपे को नोआ के निहोर आयमा होर नोआ दिसोम रे नित चुनाव हा सेटेरो कांताबोना आयमा होर नोआ दिसोम रे को हिजुआ और एड़े सरी को कथा को रोड़ा दिशा दो अपे नीत ओड़ा ओड़ा सनाम को होड़ को हड़ाम बूढ़ी को गिदर पिदर को घोड़ो गोड़वा को कना चासा बसा होड़ को गोड़वा को कना और हिजू समय आबुआ मिमी ओड़ा रे मिमी लाख ओड़ा रे पैसा सेटेरा नुआ होगा पे नुआ सभा को आश्वासन ही मापे कर हर एक घर में एक एक लाख रुपया जाएगा। आज के दिन में भी हमें मालूम है हमारा गांव देहात का गरीब गुरुआ लोग बीमारी के लिए, बच्चा का पढ़ाई के लिए, धन रोपने के लिए महाजनों से पैसा लेता है, लेकिन अब आने वाला 5 साल के अंदर कोई भी गरीब को किसी से पैसा उधारी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम उतना मजबूत करेंगे आप लोग, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा, अभी चुनावी माहौल यहाँ पर आने वाला है और इसमें अभी चील कौआ लोग आसमान में मंडराने लगा है। अभी इन लोग का बहुत बड़ा जो इनका गुरु है उनका स्वागत की तैयारी हो रही है कि कहाँ से स्वागत करें, कहाँ से भीड़ जुटाए। उड़ीसा से लोगों को लाए कि छत्तीसगढ़ से लोगों को लाए कि बंगाल से लोगों को लेके आए और अपना पीठ थपथपाए। इसीलिए ध्यान रखिएगा। और आजकल ये लोग इतने बड़े जादूगर हैं, पैसा का नोट छापने का मशीन तो ये लोग घर में रख लिया है और उस नोट के बदौलत सोचता है कि हम पूरा देश में कब्जा कर लेंगे। आज समय समय पर इस देश की गरीब गुरुआ जनता ने, किसानों ने ऐसे सामंती विचार वालों को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज किसान के आंदोलन के वजह से देश में किसान के लिए काला कानून आने से रुक गया, नहीं तो इस देश का किसान खत्म, कोई किसान इस देश में नहीं बचता। और हम लोग का तो खनिज संपदा प्रदेश है, हम लोग हक अधिकार मांगते हैं तो जेल में डाल दिया जाता है। 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया भारत सरकार राज्य सरकार का रख के रखा है, नहीं दे रहा है, और यही पैसा दूसरा राज्य के राज्य सरकारों को मिलता है। 4 साल तक 3 साल तक प्रधानमंत्री आवास का पैसा हमें नहीं दिया, हम लोग नाक रगड़ते रह गए दिल्ली में, ये लोग पैसा नहीं दिया।
तब हम लोग वापस आकर के हम लोगों ने भी यह संकल्प लिया, छोड़ो रहने दो, भारत सरकार नहीं देगा तो नहीं देगा पैसा, हम अपना अबू आवाज शुरू करेंगे और हर गरीब का आवाज देंगे। लेकिन अभी चुनाव आ रहा है, अभी पता चला है कि हफ्ता दिन पहले, 3 साल 4 साल पहले का पैसा सरकार को आया है, बोलता है 1 लाख गरीबों को आवास देंगे और यहां 25 लाख गरीब है, उसका क्या करोगे, कौन देगा उसको पैसा आवास। लेकिन ये आवास आने वाला 5 साल के अंदर इस राज्य का हर गरीब का आवास बन के तैयार होगा, ये आपका भाई आपको आश्वासन देता है। तो इसीलिए आप लोग ख्याल रखिएगा, हम इन्हीं बातों के साथ बात समाप्त करके आगे जाना चाहेंगे, बहुत सारा काम है। आप लोग खुश है ना, जोर से बोले खुश है ना, याद रखिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।